गर्भवती की मौत मामला की खबर जीएन भारत में प्रमुखता से दिखाने के बाद होश में आए प्रखंड प्रशासन पहुंची पीड़ित परिवार के गांव। भैसव थान घाघरा थाना क्षेत्र के भैसव थान गांव स्थित पकरीपाट में गर्भवती की बच्ची होने के बाद तुरंत बाद मौत हो जाने के मामला जीएन भारत में प्रमुखता के साथ समाचार दिखाने के बाद शुक्रवार को घाघरा वीडियो विष्णुदेव कश्यप, अंचलाधिकारी धनंजय पाठक, चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर अमित एक्का भैसव थान पकरीपाट गांव पहुंच और पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। आज घाघरा प्रखंड के हम लोग सिरिंगदाग गांव के टोला जो है भैंस बथान हम लोग गए हुए थे। मैं खुद प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और भी कर्मी थे। तो हम लोगों ने जांच में पाया कि जो सिरिंगदाग जो है काफ़ी सुदूरवर्ती ग्राम है, 12-13 किलोमीटर की दूरी में इटकिरी से है, लेकिन हम लोग को जाने के तकरीबन एक घंटा समय लग गया। तो इससे पता चलता है कि रोड का स्थिति कितना खराब है और जो एक मृत्यु जो हुआ था बच्चे को जन्म देने के उपरांत, उसमें जांचोपरांत पाया गया कि सहिया जो है वो चूँकि घाघरा में रहती है, उसको रात में 1:30 बजे फ़ोन कॉल किया गया था, उन्होंने रिसीव नहीं किया। सुबह भी फ़ोन कॉल किया गया था लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो उन लोगों के प्रयास के द्वारा प्रयास किया गया लेकिन तत्काल राहत नहीं मिल पाया। तो उससे मृत्यु होने का कारण जो है हम लोग उसको सहिया को तत्काल निलंबित हम लोग कर दिए हैं और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि वहाँ का व्यवस्था दुरुस्त करें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है हिंडालको कंपनी का उत्तरण काज होता है बहुत दिनों से, उसका भी व्यवस्था चरमराया हुआ है। हम लोग हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल में उस तरह कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर को बैठने का है ना, वहाँ कोई दवा उस तरह का व्यवस्था पाया गया। सिर्फ दो कर्मियों को लगाया गया है नर्स के नाम पे, उन लोग की सुबह 8 बजे से आती है और कहीं की जो बाजार का दिन है उसमें हम लोग तकरीबन 3 बजे तक ही रहते हैं। तो इस तरह से हिंडालको का भी ना विकास के काम पे सिर्फ खुदाई किया है उन लोगों ने, कोई ऐसा खर्च नहीं किया है, उसको भी इसमें हम बीमारी मानते हैं। उन लोगों का अगर प्रयास रहता तो हो सकता है कि उसका जान बचाया जा सकता है। तो सर आगे की कार्रवाई क्या होगी इसमें? आगे की कार्रवाई यही है कि हम लोग टोटल चीज़ के बारे में रिपोर्ट बना करके हम और सीओ साहब सब उनसे स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं कि आपके द्वारा क्यों इस तरह का लफड़ा बढ़ते जा रहा है और उसमें विकास कार्य में हॉस्पिटल है, पीने की व्यवस्था है, रोड है, ये सब व्यवस्था ठीक करने से लोगों को आने जाने के लिए भी व्यवस्था हो जाएगा और प्रशासन के लोग समय पर पहुँच पाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।